यही लोग अपनी फैमिली के साथ क्लीन दिल्ली का वहाँ लोगो लगा होता है, फैमिली के साथ फोटो डालते हैं, मगर दिखेगा नहीं। हमारा गुलाम, हमारा नौकर, हमारे इशारे पे स्टैंप वाला, उसके नीचे मैं काम करूंगा। नहीं दिखाई देगा, आगे पट्टी बना हुआ खोल तो दिखाई देगा इनको। ये सब अफवाह है, मोदी किसके लिए गएगा? उसके जच्चा ने बच्चा कुछ नहीं है उसके पास, वो किसके लिए ले जाएगा लूट के? हम अंध भक्त हैं, तुम गंध भक्त हो। मोदी जी का काम गुजरात मॉडल एक है, केजरीवाल का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल है, नीतीश कुमार कह सकते हैं हमारा सुशासन मॉडल है, राहुल का कौन सा मॉडल? खुला भी नहीं करा, खुला भी नहीं करा राहुल गांधी। राम सेतु को, राम सेतु को काल्पनिक किसने बोला? क्यों कर रहे हो तुम? थोड़ा थोड़ा शांति रखो, गुस्सा मत करो। ऐसा है कोई धार्मिक नेता अगर कुछ बोलता है और उसने हिंदू मुसलमान करा है तो कांग्रेस सरकार सो रही है क्या? और जो हिंदुओं का इतने, अगर सरकार किसी के फेवर में बोलेगी तभी भी तो उन पर इल्जाम लग जाएंगे। सरकार के तो खुद, सरकार के तो खुद मंत्री ही मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। सरकार वो आप बोल, अगर अभी रामचरितमानस, अभी रामचरितमानस का जो मुसलमान, आप कर रहे हो, आप वो भूल गई। सरकार बात नहीं करेगी तो जीतेगी कैसे? हिंदू किसने कहा था और उसके बाद उस मंत्री का प्रमोशन हो गया? इसने किसने कहा था? बंदा मंत्री का पुलिस हटा लो, किसने कहा था? मिस्टर वो मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्टर भाई। इतना 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 जोश में बताओ, इतने जोश में मत। ये 5 मिनट भी देखा है, 15 मिनट भी देखा है, पत्थरबाजी बन गया, अभी काम बंद हो गया, दुकान बंद हो गया। बीजेपी है ना, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे जीतती है, कोई डेवलपमेंट नहीं करती है, सिर्फ हिंदू के नाम पे जीतती है। तो वो हिंदू मुस्लिम से लड़ाई नहीं लड़ेगी तो जीतेगी कैसे? ये भी इनका सिर्फ यही बात है, कोई विकास नहीं। आपको विकास नहीं दिख रहा है कि इतने सारे ना, कोई नहीं दिखाई इनका, आंख पट्टी बना हुआ खोल तो दिखाई देगा इनको। हम दिखा देता हूँ विकास, चलो दिखा के लाता हूँ आपको। भक्तों वाली आंख है इनको, जो कुछ भी करे सब समझे। हम अंध भक्त हैं, तुम गंध भक्त हो। नहीं अब मैं बता रहा हूँ आपको, योगी अडानी की बात चल रही थी मैडम, ये कोई वजह नहीं हुई अडानी का समर्थन करने का। कोई देश का बिजनेस पर्सन है अडानी, अगर गलत कर रहा है, अगर अडानी को गलत तरीके से मदद की गई, अगर इंश्योरेंस कंपनी को मजबूर किया गया अडानी के 80% शेयर खरीदने के लिए और अडानी डूब रहा है, तो किसी भी राह चलते आदमी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे प्रोटेस्ट करे, उसके सरकार के खिलाफ बोले। इसमें क्या गलत है? अब क्योंकि अडानी नुकसान हुआ है इस समय, मोदी है तो जितने ही अंधभक्त हैं सब एक साथ बोलेंगे उनके ऊपर। कितना शेयर है उसमें? आपकी शेयर कितना डूब गया? आप कितना शेयर रखे हो? इसका शेयर है मेरी LIC है, पांच लाख। लेकिन सुनिए सुनिए, शेयर कितना LIC ने क्लियर किया है सर, LIC ने क्लियर किया है कि उनको कोई घाटा नहीं हुआ है। SBI ने क्लियर किया कि कोई घाटा नहीं हुआ है। SBI किसके अंडर में है, किसके बोली बोल रहे हैं, कैसे नहीं हुआ आप बताइए। तो आप कैसे, आपके पास क्या, फिर जनता के पास या आप लोगों के पास फिर कौन सा प्रूफ है? LIC और SBI जब प्रूफ दिखा रहे हैं कि उनको कोई घाटा, बयान दिया मैम, बयान दिया है, प्रूफ नहीं दिखा रहा। LIC की अभी कितनी कुल संपत्ति कितने अभी ये सब अफवाह है, मोदी किसके लिए गएगा? उसके जच्चा ने बच्चा कुछ नहीं है उसके पास, वो किसके लिए ले जाएगा लूट के? कोई नहीं था, गब्बर सिंह के भी आगे पीछे कोई नहीं था। बोलने नहीं आ रहा था, बोला मत करो। गब्बर सिंह ने तो ठाकुर के हाथ मांगे थे, मगर नहीं है आपको जो हो तुम्हारे हो इस तरह शोर मचाने से, अगर तुम्हारे पास कुछ होगा तुम बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। हम किसी एक आदमी की भक्ति को नहीं मानते। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, यूपी का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, सब हैं बनने के लायक। एक आदमी की भक्ति करने वाले गोबर दिमाग में रखते हैं, हम उसके में नहीं। राहुल गांधी का योगदान बता दो फिर, हिंदुत्व के नाम पे जीत रहा है, मोदी को जीत रहा है। राहुल गांधी के बताओ, राहुल गांधी का योगदान, राहुल गांधी, इन्होंने सिंपल सवाल पूछा, रुक जाइए, हम पूछ रहे हैं राहुल गांधी के काम। खुला भी नहीं करा, खुला भी नहीं करा राहुल गांधी। राहुल गांधी जहाँ तक पढ़े हुए ना, तुम्हारे पूरा खानदान वहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, जितना पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है जितना राहुल गांधी पढ़ा हुए पूरा उसका नहीं पढ़ा होगा। नहीं तुम लोग तुम्हारा खानदान, ये व्यक्तिगत बात क्यों कर रहे हैं? उम्र का ख्याल नहीं आपको? क्यों कह रहे हैं देशभक्त? ये किताब, मैं देशभक्त हूँ, क्यों नहीं कहूँगा? आप राहुल, सुनिए, इनको नॉलेज नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है। व्हाट्सएप से पढ़ के मत आया करो, JNU में जाके पढ़ो, ज्ञान ज्यादा होगा आपको।
जीतने के लिए सिर्फ जातिवाद का ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है इतने सालों में? कहीं कोई रोडों का आ रहा है, रोड इस तरह से नहीं, हाईवे का डेवलपमेंट नजर आ रहा है। इस तरह से बात नहीं आ रहा है। रुको भाई, बात तो कर लेने दो। अरे बात तो कर लेने दो। बोलो। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मोदी जी का काम गुजरात मॉडल एक है, केजरीवाल का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल है, नीतीश कुमार कह सकते हैं हमारा सुशासन मॉडल है, राहुल का कौन सा मॉडल है? जैसे चार बार MP रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं। अरे नहीं जा रहे, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं, वो सिर्फ MP थे, मिनिस्टर भी नहीं बने हैं, लिहाजा उनका मॉडल कहाँ से आएगा? हाँ उतना लीजिए आप, मनमोहन सिंह का मॉडल लीजिए। मनमोहन सिंह के बारे में जब ओबामा इंडिया आए थे और यहाँ के पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आपने मोदी जी के साथ भी काम किया और मनमोहन सिंह जी के साथ भी काम किया, आप किसे बेहतर नेता मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी लोकल सियासत में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मनमोहन सिंह जी की मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि जब पूरा दुनिया मंदे के अंदर धस गया था तो उन्होंने अपने देश को घुसने नहीं दिया था। और याद, मैं ये कह रहा हूँ भाई, अरे बोल तो लेने दो। मैं ये कह रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जो मनमोहन सिंह के मॉडल को जनता रिजेक्ट कर चुकी है, ऑलरेडी दो बार रिजेक्ट कर चुकी है, ठीक ना, वो मॉडल इस देश में फेल हो चुका है। अब आए हैं नया मॉडल लेके राहुल गांधी, हमको ये राहुल गांधी का प्रचार कर रहे, मैंने जो भी है जो प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही, तो हम उनके मॉडल को चेक करेंगे ना, उनके मॉडल को बताइए। अब अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, क्या राहुल गांधी एक मंत्री बन के अपने को नहीं साबित कर सकते थे कि इस देश के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? एक, अरे सुन तो लो यार, धक्का क्यों दे रहे हो? वो बन सकते थे कोई मंत्री ही, जैसे मान लीजिए नितिन गडकरी इस समय मंत्री बन के पूरे देश में रोड बना रहे हैं, देश देख रहा है, उस तरह से क्या 10 साल मनमोहन सिंह थे उस समय कुछ नहीं कर सकते थे? लेकिन यह कि हमारे परिवार के, हमारा नीचे, हमारा गुलाम, हमारा नौकर, हमारे इशारे पे स्टैंप वाला, उसके नीचे मैं काम करूंगा? मैडम उसका जवाब नहीं, मैं अपना जवाब, जैसे अभी अपनी मोदी गवर्नमेंट ने ना, हमने बिलियंस रुपया बाहर में दे दिया हथियार खरीदने में या मेट्रो लाने में, यदि ये इतना पैसा यहाँ की इंडस्ट्री में लगाया जाता तो कितना डेवलपमेंट हो जाता इंडिया। ये आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है कि बुलेट ट्रेन आएगी या फिर वंदे मातरम तो ट्रेन है भाई, हमने 4000 के। देखिए ये इनको पता नहीं है, क्या रहे बाहर हमने ये दे दिया, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, खुद ब खुद यहाँ पे रोजगार आएगा, खुद ब खुद कंपनी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। यूपी में अगर 33 लाख करोड़ हो रही है, कई लोगों का पूरा GDP है साल का, पूरा बजट रहता है उतना, जितनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है ये नहीं दिखेगा। ये भाई साहब ओबामा की बात कर रहे थे, यहाँ आया उन्होंने तारीफ की, उन्होंने ही अपनी बुक में किया था कि जब 26/11 का यहाँ हमला हुआ था तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये पाकिस्तान को जवाब दे सकते थे, अटैक कर सकते थे उसके ऊपर, मगर विल पावर नहीं थी, इसी कमजोर PM की वजह से इनको बदला गया था। ये मानेंगे नहीं, इनको डेवलपमेंट नहीं, क्या कर रहे, कुछ नहीं दिख रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड हाईवेज डबल हो गए हैं 8 साल में, एयरपोर्ट 70 थे 2014 तक, 70 थे, आज 142 हैं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। एक मिनट, रेलवे स्टेशन दिल्ली में जाते हैं ना, यही लोग अपनी फैमिली के साथ, क्लीन दिल्ली का वहाँ लोगो लगा होता है, फैमिली के साथ फोटो डालते हैं, मगर दिखेगा नहीं, वहाँ जाकर सेल्फियाँ डालेंगे, ये प्लेन में बैठते हुए जाएंगे, गोइंग टू दिस, ट्रैवलिंग दिस, मगर दिखेगा नहीं।